खबर खनिया थाना क्षेत्र से है, जहां सिमलारा गांव में निवास करने वाले बलवीर यादव की लाश गांव के सड़क किनारे मिली है। पुलिस का कहना है कि मृतक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, सिर में घाव है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पीएम के लिए भेज दिया है। धारा 302 व 34 के तहत अज्ञात हथियारे पर मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है, जिसमें गाँव के ही 4 लोगों पर हत्या का संदेह जताया गया है। वही मृतक के भाई जगदीश का कहना है कि फॉरेस्ट की जमीन के अतिक्रमण का विवाद भाई की हत्या का कारण बना है। जानकारी के अनुसार सिमलार गांव में रहने वाले बलवीर सिंह यादव की लाश आज गांव के सड़क किनारे मिली है। मृतक के छोटे भाई जगदीश यादव ने बताया कि हमने फॉरेस्ट की जमीन पर गेहूं की फसल की है और खेत में गेहूं कटे पड़े हैं। इस कारण मैं और मेरे बड़े भाई बलवीर यादव खेत पर ही फसल की रखवाली करने के लिए रात में रुकते थे। आज की रात 11 बजे जब खेत पर पहुंचे तो बड़े भाई बलवीर ने मेरे से कहा कि तू मेरे लिए खाना नहीं लाया। मैंने कहा भाई तुमने शाम को ही खाना खाया है, इस कारण नहीं लाया। वह मेरे से खाना खाने की कहकर रात में ही खेत से घर के लिए निकल गया। रात में खेत पर बलवीर नहीं लौटा तो मैं सोचकर सो गया कि वह घर पर ही सो गया होगा। जब सुबह मुझे सूचना मिली कि बड़े भाई बलवीर की लाश सड़क किनारे पड़ी है, मौके पर जाकर देखा तो बलवीर के सिर पर धारदार हथियार से हमला करने के निशान व घाव थे। यह भी बताया जा रहा है कि बलवीर रात में अपने घर नहीं पहुंचा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर बलवीर की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर खनिया थाना अस्पताल में पीएम के लिए भिजवा दिया है। एक घटना हुई है सिमलार में, क्या पूरी घटना है इसमें? आज जगदीश सिंह यादव पिता स्वर्गीय भुजबल सिंह यादव ने रिपोर्ट किया कि उसका भाई बलवीर कल रात 11 बजे से खेत से घर जाने के लिए निकला था और वो घर तक नहीं पहुंचा। उसके बाद सुबह उनको सूचना मिली कि सिमलार के पास में उसकी बॉडी मृत अवस्था में रखी हुई है और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और शक के आधार पर उन्होंने रूप सिंह यादव, राहुल यादव, मुन्ना यादव और ब्रजेंद्र यादव पर मृत्यु करने के लिए शंका जताई है और मृतक के सिर पर धारदार हथियार से चोटें आना पाई गई। इसमें मामला दर्ज हो गया? मामला 302 का पंजीबद्ध हो गया है, संदियों के नाम लिख लिए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी एविडेंस आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उनमें इन लोगों बलवीर मृतक के ऊपर कई संगीन आरोप भी लगे हैं। हाँ बलवीर अपने थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर भी रहा है।